एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे कि आप सबको पता है, सुबह ही मैंने वीडियो लाई थी आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था डिटेल्ड एनालिसिस, जो नोटिफिकेशन आई थी उसका, कि 2000 वैकेंसीज हैं, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट है, किस तरह से फास्ट ट्रैक जो बोला गया है 45 डेज में रिजल्ट आएगा, पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ख़त्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब हम बात करेंगे दो चीज़ों की आज इस लेक्चर में। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबसे बात करूंगा, जिस तरह जेके बैंक की मैंने क्लासेस करवाई थी, यहाँ पे 500 प्लस लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ पीओ का, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि 500 प्लस लोग 1200 में से होंगे जिनका बैंकिंग एसोसिएट का पेपर निकलेगा, रिजल्ट जब मर्जी आए। मुझे इतना 110% श्योर हूँ मैं कि 500 प्लस होंगे। अब मैंने सोचा है कि जो 2000 वैकेंसीज आई हैं, मैंने आज अभी सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, क्या पेपर का सिलेबस है, पहली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिलेबस क्या है, और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे कि रेगुलर बेसिस पे क्लासेस किस तरह से चलेगी। मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि IBPS के बैंक के एग्ज़ाम्स का करना है या इसका, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे मिला कि बैंक का एग्ज़ाम का मैक्सिमम मैंने कवर करवा दिया है आप सबको, जितना भी था। अब टारगेट है 2000 वैकेंसीज। मैं कहता हूँ कि अब जो क्लासेस मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टार्ट करवाऊँगा बैंकिंग के अलावा, इसमें टारगेट हम लेके चलेंगे कि 1000 प्लस सिलेक्शन हमारे ही ग्रुप से हो। पिछली बार बोला था, टारगेट था सिर्फ मेरा एक सिलेक्शन करवाने का मकसद था, 500 प्लस हुई, बहुत अच्छा लगा था। यही सब कुछ एंड में मैंने कमाया है यहाँ पे लोगों से, मेरे को इससे ज़्यादा किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब जो मैं कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो होगा हमारा अकाउंट असिस्टेंट का, तो ऑनलाइन चलेगा ये क्लास। ऑफलाइन क्लासेस का मैं आपको इसका बता दूंगा, अगर स्टार्ट हुआ तो उसका भी, नहीं हुआ तो उसका भी सारा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ये हमारी चलती रहेंगी। किस तरह चलेंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आज हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या होगा इस एग्ज़ाम का। ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था लास्ट टाइम, उसका सिलेबस मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं पेपर में। तो ये रेगुलर बेसिस पे होगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अगर पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो आपको बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारा फेसबुक का जो पेज है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें, उसका नाम आपके सामने है SSS। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है। मैं मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पाता, सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाता यूट्यूब पे भी, उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया है, थोड़े टाइम से वहाँ रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं आपकी क्वेरीज जो हैं वो देखता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक हो सके तो दोनों को ज्वाइन कर लें, और इस चैनल को पहली बार मैं कह रहा हूँ जब से स्टार्ट किया कि सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी लेक्चर्स की। तो या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो अभी रिसेंट तैयारी शुरू किया, उनको भी अपना शेयर कर दें कि किस तरह से प्रोसीजर हमारा चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सिलेबस के साथ कि क्या सिलेबस होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सिलेबस का सेक्शन। पहली सेक्शन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जो आपको दिख रही है वो है जनरल इंग्लिश। कितने मार्क्स की आती है, ये आएगी आपको 20 मार्क्स की। अब पूछा जाएगा कि इसमें पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बता दूं, टेंसेस आपको पेपर में आएंगे, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस। मैंने दो टाइप के पेपर में आते हैं, बैंकिंग के भी और जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो भी, वो मैंने आपको वीडियोज़ में बना दिए हैं। जो लोग नए हैं वो एक बार इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे देख लें। आपको बता दूँ उस लेवल का इस पेपर में नहीं आएगा, इस पेपर में काफ़ी इजी लेवल का आएगा, तो इतना नहीं है। नरेशन करनी है वो मैं आपको करवा दूँगा, बाकी आप देख सकते हैं आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोनाउन, क्लॉजेस। अब आपको बताता हूँ, ये चीज़ें तो हो गई जो आपको सिंपल ग्रामर के रूल्स अगर आप करेंगे तो आपको हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आती हैं, जैसे आप ये दो चीज़ें देख सकते हैं। इसके लिए आपको बता दूं, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कल को बैंकिंग एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको क्या करना है, रोज़ का एक आर्टिकल रीड करना है। कहाँ से करना है वो मैं फेसबुक के ग्रुप में आपको बता दूंगा। कोशिश रहेगी कि मैं आपको खुद ही लिंक प्रोवाइड कर दूँ, अगर इनकेस मैं कभी बिजी हुआ नहीं कर पाया तो मैं आपको ऐप बता दूंगा जहाँ से आपको करना है। उस एक आर्टिकल से आपको दिन के 10 जो है वो कैप पढ़ने हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आप जिस मर्जी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, KAS करें, IAS करें, SSC करें, बैंक करें, अकाउंट असिस्टेंट करें, जो मर्जी करें, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा।
तो हेल्पिस का ये होगा ही आपका ओवरऑल, आपकी एक तो वोकैबुलरी स्ट्रांग करेगा और उसके साथ साथ आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इडियम फ्रेजेस करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा किस तरह से करते हैं, इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। ये तो थी एक सिंपल सी बात, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पेपर में जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या है। एग्जैक्ट अभी नहीं है, ये पिछली बार का है, तो हो सकता है कि इसमें चेंजेस हों, लेकिन ज़्यादा चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करिए जा सकते इसमें। पेपर का लेवल इजी होगा। और इसके साथ साथ आपको बता दूं एक और चीज़, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब तैयारी करवाऊंगा तो एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके साथ साथ अब बात करते हैं अपनी सेकेंड सेक्शन की। तो आप देख सकते हैं सेकेंड सेक्शन जो आपके सामने है, यूनिट 2, उसका नाम है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। नाम से ही आपको सब पता चल गया होगा, 30 मार्क्स की ये सेक्शन होगी। अब इसमें क्या क्या आएगा हम उस पर बात कर लेते हैं एक बार। इसमें पहली चीज़ आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट इन इंडियन हिस्ट्री। अब आपको बता दूं कि आपको सारी डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको पूरा पता होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर आपको जो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज़ कोई इवेंट हमारा पास्ट में हुआ है जिसके ऊपर हम अभी सेलिब्रेट करते हैं, पूछा जा सकता है कि थीम क्या थी उस इवेंट की इस साल। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है हमने। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, फर्स्ट इन द वर्ल्ड पूछा जाएगा, फर्स्ट इन इंडिया पूछा जाएगा। फर्स्ट इन इंडिया में आपसे पूछा जा सकता है यही, फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन थी पहली जो माउंट एवरेस्ट पे गए जो, या चांद पे गए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के साथ साथ पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल, स्पोर्ट, हिस्ट्री, यानी कि ये लिख तो इन्होंने सिंपल सा दिया है लेकिन इसको करने के लिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर्स करनी है, लैंग्वेजेस करनी है, कैपिटल करेंसी करनी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यूएनओ का थोड़ा सा पढ़ना है, सार, केसियान, बिम्स्टैक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एवरी डे साइंस, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, आपको बता दूँ ये जो लिखे हैं ये आपको सिंपल से है, अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा आपका नोबेल प्राइज़ पे। तो आपको इसमें बस एक चीज़ दिखा बता दूं क्योंकि ये सबसे बड़े अवार्ड हैं, और अगर पूछा जाएगा, अगर एग्जामिनर पेपर अच्छा सेट करेगा तो वो यही पूछेगा जो इस बार मिले हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं नेशनल अवार्ड्स हैं, द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ये लिखने में आपको काफ़ी कुछ इन्होंने लिख दिया है। लेकिन आपको बताऊं कि ये सारा करने में अगर आप बैठेंगे तो वो बहुत वास्ट सिलेबस है। अब आपको मैक्सिमम लोग जो रेफ़र करने के लिए बोलेंगे वो बोलेंगे कि ल्यूसेंट की बुक रेफ़र कर लो। आपको बताऊँ 400 पेजों की बुक है, दिखने में छोटी है लेकिन बहुत मोटी है। मैं आपको बता रहा हूँ इससे करने की ज़रूरत आपको नहीं है। कहाँ से पेपर आएगा आपको बताऊँ कि ये सिंपल 30 मार्क्स की सिर्फ सेक्शन है। SSC में भी लोग गलती करते हैं, लोग इतना ज़्यादा पढ़ के चले जाते हैं। एक बुक आती है मनोहर पांडे की, 25 से 30 रुपये की है वो बुक, पतली सी है, उसमें सारे आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपको ये वाले पढ़ने भी हैं, अगर आपके पास लूसेंट है पढ़ी हुई, तो उसके जो लास्ट पेज में मिसलिनियस सेक्शन है आप वहाँ से ये पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सब दिया हुआ है। वो भी कम ही पेज होंगे, लेकिन आप मनोहर पांडे की बुक ले लें, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। और वो बहुत पतली सी बुक है, कई बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं आप बुक का साइज़ देख के ही कहते हैं कि यार ये ख़त्म ही नहीं हो पाएगी, छोड़ो, सेक्शन देखी जाएगी वहाँ पे क्या होगी। तो मनोहर पांडे से आप कर ले, मैं एक रेफ़र कर रहा हूँ ये बुक आपको। इसके लिए बात करते हैं थर्ड यूनिट की, आपके यहाँ पे आपसे फॉरेन ट्रेड, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। बात करते हैं हम यहाँ पे अगली जो सेक्शन है हमारी यूनिट 3, उसमें है जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू J&K। 25 मार्क्स की ये सेक्शन होगी, इसमें क्या क्या आएगा वो आपको देखना है। इसमें J&K के कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेदर, क्लाइमेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जो रिसेंट चल रहे हैं अभी वो वाले इंपॉर्टेंट हैं, रेलवे, रिवर, लेक्स, इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट मैंने बता दिया, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हिस्ट्री ऑफ J&K स्टेट, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, हिस्टोरिकल प्लेसेस, RTI एक्ट का क्या पूछा है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो और आपसे पूछा जाएगा, टोटल कम अगर पूछा जाएगा तो 25 मार्क्स का होगा,
सेक्शन। तो ये चीज़ें कहाँ से करनी है ये मैं आपको बुक खुद पहले कंसल्ट करूँगा फिर आपको बताऊँगा। बात करते हैं फोर्थ सेक्शन की, सॉरी इसमें फोर्थ है नहीं, इसमें सीधा सिक्स्थ यूनिट लिख दी है इन्होंने, उल्टा लिख दिया सॉरी ये साइन। यहाँ पे जो है जनरल साइंस एक और सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के रिलेटेड, आप देख सकते हैं टॉपिक। इसके मैं कोशिश करूँगा जो मेरे CGL के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं बिल्कुल ईजी वाले, मैं पहले ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ से पढ़वा दूँ या उसको स्कैन करके PDF फॉर्म में अवेलेबल करवा दूँ आपको कि आप वहाँ से पढ़ लें, मैंने बनाए हुए हैं और ये सारे टॉपिक उसमें मैक्सिमम कवर है जब मैंने खुद तैयारी की थी उस टाइम पे। तो ये सब आप कर लें, इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, जैसे आप देख सकते हैं ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपसे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सिर्फ इजी वे में कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी या पूछा जाएगा कि एटम किसने डिस्कवर करा था या वो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, पेपर का लेवल ईजी रहेगा, मैंने आपको फिर बताया है। अब बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, जो हमारी यूनिट फिफ्थ होगी 25 मार्क्स की। इसमें जो आपको बता दूं चीज़ें, कौन सेक्शन मैंने आपको मैक्सिमम सारी करवाई हुई है वो आप कोई भी चैप्टर देख लें जाके आपको मिल जाएगा। नंबर सीरीज मैंने करवाई है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने कराई है, डायरेक्शन सेंस मैंने करवाई है, ब्लड रिलेशन मैंने करवाया है, स्पीड डिस्टेंस मैंने करवाया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन तक मैंने करवाया है, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग मैंने करवानी है, बाकी ये सारा पार्ट मैंने आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इसमें जो रीजनिंग सेक्शन आपको आएगी वो थोड़ी सी अलग होगी, वो SSC लेवल की होगी ना कि बैंकिंग लेवल की, तो उस पर लेक्चर्स मैं पहले इसी के साथ आपको स्टार्ट करूँगा, जो पूरी क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन, 25 मार्क्स का ये होगा। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट सेक्शन, वो आप देख सकते हैं वो है हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको बता दूं 25 मार्क्स की होगी ये भी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस बिल्कुल बेसिक, इसके लिए भी एक बुक आती है, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका PDF अवेलेबल है ऑनलाइन, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितना हो सके तो उतना आप अपना फिजूल का खर्चा बचाएं और जो जो चीज़ें आपको डायरेक्ट अवेलेबल हैं तो आप वहीं से करें। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस एंड पावर पॉइंट, ईमेल एंड इंटरनेट। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि इसमें फ़र्क क्या है, जो भी हमने रिसेंटली मैंने दिया था लास्ट टाइम पेपर वो था RBI का मेंस, और उसमें जब क्वेश्चंस आए थे वो सारे विंडोज 10 के रिलेटेड थे, तो वो तो था चलो बात की बात। अब इसमें आपको बता दूं कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है, मुझे नहीं लगता इसमें विंडोज 10 वगैरह तक लेवल तक ये जाएंगे, इसमें वही पुराने क्वेश्चंस ही आएंगे तो वो इजी लेवल के ही होंगे, तो ये भी 25 मार्क्स का होगा। तो इन शॉर्ट अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरह से पेपर में चीज़ें आएंगी, तो किस तरह से वो चीज़ें आपको करनी है। मैं यहाँ पे क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करवा दूंगा, जितने भी आपके नोन में हैं या फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ ये शेयर कर दें। तो ऑफलाइन क्लासेस भी अगर मैं इसकी स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं आपको लोगों को बता दूंगा, जम्मू में स्टार्ट करवाऊंगा, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके लिए ही कहूंगा मैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि वो 45 डेज में रिजल्ट के साथ साथ आपको रिक्रूटमेंट कंप्लीट करा देंगे, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे J&K में रिक्रूटमेंट होती है वो इसी स्पीड से हो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार टारगेट लेके चलते हैं कि 1000+ सिलेक्शन इसी ग्रुप से करेंगे। तो आप लोग जो नए हैं वो फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैक्सिमम चीज़ें हमारी वहाँ पे होंगी, अगर आपको तैयारी में कोई डाउट आता है वहाँ पे पोस्ट कर दें, काफ़ी लोग हैं, 3500 के करीब करीब लोग हैं, वो सब आपकी हेल्प कर देंगे। कोई भी आपको डाउट आता है तो उसके रिगार्डिंग, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इंस्टा पे मैसेज कर दें, हो सकता है मैं उसी टाइम रिप्लाई ना करूं लेकिन 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा उसके लिए। तो वो दोनों चीज़ों को आप फॉलो कर दें। जितने भी लोग हैं चैनल को पहली बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम कल अपना पहली सेक्शन मेंटल एबिलिटी के साथ, और कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करें हफ्ते के अंदर अंदर, कि जब तक इनकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आए तब तक हम अपना मैक्सिमम पार्ट कवर कर चुके हों। तो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ।